नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हम आपको वो खबरें बताते हैं जहां पे शायद हमारी मेन मीडिया की नज़र नहीं जाती है। हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं, उन खबरों से वाकिफ कराते हैं जहां पे हमारे बड़े बड़े मीडिया घरानों की कैमरे की नज़र नहीं पहुंचती है। हम उस दर्द को दिखाते हैं, हम उस एहसास को दिखाते हैं जिससे हम उठ कर यहाँ पहुँचे हैं, उस समाज में व्यवस्थित या उस समाज में व्याप्त उन समस्याओं को आप तक लाते हैं जिस समाज से हम आए हैं और जिस समाज में हम रोज आए दिन उन समस्याओं से लड़ते हैं। ऐसे ही खबर हम एक पश्चिम बंगाल से लाए हैं। हमने मीडिया में और बड़े बड़े चैनलों के पोर्टल पे, उनके वेबसाइट पे, इंटरनेट पे बहुत तलाशने की कोशिश किया कि शायद मुझे ये खबर मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। बस एक कोई पोर्टल है जिसने ये खबर छापी थी और जिन्होंने इस खबर के बारे में बताया था कि आखिर पश्चिम बंगाल में हुआ क्या है। चलिए मैं बताता हूँ पश्चिम बंगाल की ये खबर क्या है, कैसी खबर है। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती, यानी उस जो पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड है, उन्होंने कांस्टेबल और लेडीज़ कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाली थी जिसका पीटी एग्ज़ाम होना था, यानी पहला एग्ज़ाम होने वाला था 26 सितंबर को और 6 तारीख को एडमिट कार्ड इशू किया जाता है। यानी 21 सितंबर को एग्ज़ाम होना है और 6 सितंबर को एडमिट कार्ड इशू किया जाता है। उसमें से 30,000 आवेदकों का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, यानी रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें कई कारण हैं, अलग अलग कारण हैं, किसी का एरर है, किसी का टाइपिंग मिस्टेक है, किसी के एड्रेस को लेके, यानी तमाम तरह के अलग अलग गलतियों के वजह से वो फॉर्म निरस्त किया जाता है, यानी रिजेक्ट कर दिया जाता है 30,000। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें लगभग 1,000 मुस्लिम लड़कियों को भी बाहर कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि शायद मुस्लिम लड़कियों ने भी यही गलती किया होगा, फॉर्म भरते समय कुछ एरर होगा या कोई मिस्टेक कर दिया होगा जिसके वजह से उनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो कान खोल कर सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम संवैधानिक गरिमा का भी पालन करते हैं, संवैधानिक रास्ते पर चलने का प्रतिज्ञा भी लेते हैं और संविधान के कहते हैं छत्र छाया में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उसी भारत में कुछ ऐसा भी हो सकता है। आप सोचिए, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी वर्तमान की खबर में बता रहा हूं कि लगभग 1,000 मुस्लिम लड़कियों को बाहर कर दिया जाता है और बाहर करने के पीछे का तर्क है कि उनका हिजाब, यानी हेड स्कार्फ। आप सोचिए कि एक लड़की अगर अपने हिजाब में, हेड स्कार्फ में अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं, वो सरकारी फॉर्म हो या कोई एंट्रेंस टेस्ट हो कॉलेज के प्रवेश परीक्षा का, उसमें तमाम पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगे जाते हैं, सिग्नेचर मांगे जाते हैं, तो उनमें इन लड़कियों ने अपना स्कार्फ सहित फ़ोटो अपलोड कर दिया जा। उसके बाद बोर्ड का ये तर्क है कि हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, फेस कवर नहीं होना चाहिए। चलिए स्क्रीन पे मैं दो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, एक नन की है और एक मुस्लिम लड़की की है, जिसमें लड़की हिजाब पहनी हुई है। आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि उस हिजाब की वजह से क्या उसका चेहरा ढका हुआ नज़र आ रहा है आपको, क्या उसके चेहरे पे कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है आपको, फ्रेश नहीं दिख रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल पुलिस बोर्ड का कहना है कि हमने पहले क्लियर कर दिया था कि आप कुछ भी पहने हुए, यानी आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए, ये तर्क है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जिनका ये रिजेक्ट किया गया है फॉर्म, उन्होंने वहाँ के चेयरमैन जो हैं, पुलिस जो भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनके पास इन्होंने लेटर लिखा है। लेटर में आप देखते हैं क्या होता है, आगे क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर हमारी नज़र होगी, ये भी बात आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ता हूँ मैं और एक और मामला आपको बताता हूँ, केरल का मामला है, 2017 की बात है। 2017 में एक फातिमा नाम की लड़की को एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो हिजाब पहन के गई थी। तो उस पर उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आता है, फैसला भी थोड़ा गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा मेरी बातों की तरफ। फैसला ये है कि धार्मिक प्रथाओं के अनुपालन में हेड स्कार्फ या हिजाब पहनना
या पोशाक पहनकर प्रवेश परीक्षा में शामिल होना वर्जित नहीं है, आप शामिल हो सकते हैं। आप रिचुअल चीज़ों को, आप अपने अगर रिचुअल चीज़ें हैं उसका अनुपालन कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई आपको रोक लगा सकता है। ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है 2017 का, केरला की बात है। उसके बाद में भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 ये संरक्षित करता है, इस बात की गवाही है उस संविधान के 25वें अनुच्छेद में कि आप अपनी धार्मिक आस्था को लेकर कोई भी पोशाक, आपके जो धार्मिक पोशाक है उसको पहन सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, अपने धर्म को आप मान सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि फिर ये दोहरी भेदभाव, दोहरी रवैया क्यों अपनाई जा रही है, जबकि उच्चतम न्यायालय का 2017 में फैसला आता है, उसके बाद से NTA, नीट, JEE मेंस, नेट के एग्ज़ाम यानी नेट और GRF के एग्ज़ाम, यानी अन्य परीक्षाएं जो हो कंडक्ट की जाती है, जो संस्था कंडक्ट कराती है, उन्होंने हिजाब पहनकर जाने की अनुमति दे दी। फिर पश्चिम बंगाल पुलिस बोर्ड उन लड़कियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए क्यों नहीं अनुमति दी, आखिर क्यों उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया? ये उसी बंगाल की खबर है, उसी ममता बनर्जी की राज्य की खबर है जहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, और चुनाव के दौरान ममता बनर्जी मुसलमान चिल्ला रही थी, यानी मुस्लिम वोट बैंक के लिए चीख चीख कर कह रही थी कि आप अपना वोट बेकार मत कीजिएगा, आप अपना वोट जाया मत कीजिएगा, आप अपना वोट मुझे दीजिएगा। और बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की ईमानदारी देखिए कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, जो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि हम मुस्लिम क़यादत यानी मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बड़े बड़े सेकुलर पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया, और ममता बनर्जी के झोली में अपना वोट डालते हैं और ममता बनर्जी सरकार में आती है। तो थोड़ा सा ममता बनर्जी को भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर आप ही के राज में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर आपके राज में इन हज़ार लड़कियों के साथ या उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या उन हज़ार लड़कियों का ये अधिकार नहीं है कि वो परीक्षाओं में शामिल हो सके? क्या उन हज़ार लड़कियों के आँखों में ये सपना नहीं है कि वो कांस्टेबल बनकर देश की सेवा करें, आपके राज की सेवा करें? थोड़ा गौर कीजिएगा, फिर आगे बताता हूँ कि उसके बाद आते हैं जब हमारा भारतीय संविधान, ये मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारा भारतीय संविधान हमें ये अलाउ करता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने धर्म के अनुसार वेशभूषा अपना अपना सकते हैं, फिर ये लोग कौन होते हैं कि आपके धार्मिक चीज़ों पे प्रतिबंध लगाने वाले? तालिबान का मामला आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं कि मेन मीडिया जिस इस खबर को दिखानी थी, इस खबर को आपके सामने नहीं दिखाई गई, वही मेन स्ट्रीम मीडिया तालिबान पे हो रहे महिलाओं के जुल्म पर चीख चीख कर बोल रही थी कि तालिबान में देखिए कट्टरवादी इस्लाम को मानने वाले लोग कैसे महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं। क्या ये जुल्म नहीं है किसी पर? क्या ये किसी के कैरियर से खिलवाड़ नहीं है? सोचने की ज़रूरत है दोस्त, सोचिएगा आप भी कि तालिबान में या तालिबानियों द्वारा महिलाओं पर किया गया जुर्म ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है या अपने देश में हो रहे हैं। जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उठाते रहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जुर्म हो रहा है आप उसको खामोशी से देखिए, लेकिन उसको सोच समझिए भी कि कहाँ कब उठानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप एक उत्तर प्रदेश की घटना है और उत्तर प्रदेश 2020 की घटना है। उत्तर प्रदेश में एक सब इंस्पेक्टर को दाढ़ी रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है और तर्क ये दिया जाता है कि आप सरकारी महकमे में रहकर आप अपने रिचुअल चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी अपनी धार्मिक वेशभूषा को नहीं अपना सकते हैं। लेकिन एक सिख कम्युनिटी भी है हमारे देश में, नन भी हैं, उनको इन सब चीज़ों के लिए फ्रीडम है, स्वतंत्र हैं वो लोग। एक सिख को आपने देखा होगा वो आर्मी में हो या पुलिस में हो या किसी भी संस्था में हो, वो अपने पगड़ी, अपने सर पे पगड़ी रखता है, दाढ़ी रखता है। फिर ये दोहरी नीति हुई कि नहीं हुई, अब आप सोचिए। वहीं मैं नाम भी बता दूं, इंतसार अली नाम था उस सब इंस्पेक्टर का, उन्होंने ये भी कहा कि 25 सालों के मेरे कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दाढ़ी को लेके कभी ये बात सामने आई हो कि आप दाढ़ी मत रखिए। सोचिए किस सदी में है, कौन सा भारत का निर्माण किया जा रहा है, कौन से
संविधान में लिखा है कि आप अपने धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन आखिर ये सब चीज़ें अभी क्यों हो रही है? 2014 के बाद से ही इन सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर फिक्र क्यों हो गई? 2014 के बाद से ही क्यों लड़कियों को हिजाब पहन के परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाए जाने लगा? कांस्टेबल की आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, लेडीज़ कांस्टेबल की भर्ती में आप शामिल नहीं हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर हिजाब है। इन तमाम चीज़ों पर गौर कीजिएगा, जो आपको मेन मीडिया नहीं दिखाती है वो हम दिखाते हैं। और हम यही कहेंगे कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना घटती हो जो मेन मीडिया नहीं दिखाती है, हमें आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे जाके आप कमेंट में बता सकते हैं, वो वीडियो लिंक भेज सकते हैं, या जो भी खबर हो आप बता सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पे देखते हैं तो सब्सक्राइब, वहाँ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।